SBI में कितने तरह के हम खाते खोल सकते हैं, FD, RD पे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बैंक कितने चार्जेस लगाता है और लोन अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं और वो कैसे मिल सकते हैं, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब के बारे में मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। सबसे पहले जानते हैं कि SBI में हम कितने तरह के खाते खुलवा सकते हैं। अभी SBI में 8 तरह के अकाउंट्स ओपन हो सकते हैं, जिसमें सेविंग, बेसिक, यंग, माइनर अकाउंट, प्रीमियम, सैलरी, नोफिल और करेंट अकाउंट को मिलाकर। पहले बात कर लेते हैं सेविंग प्लस अकाउंट की। सेविंग प्लस अकाउंट में आपका नॉर्मल सेविंग अकाउंट लिंक रहता है और उसमें यहाँ कम से कम आपको 25,000 का बैलेंस मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसमें ऑटो स्वीप लगा रहता है, जैसे ही 25,000 से ऊपर का बैलेंस होता है तो वो अमाउंट आपको FD में ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसमें आपको 6% इंटरेस्ट मिलता है। अगर आप एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो बेसिक सेविंग अकाउंट आपके लिए बेस्ट रहेगा। 18 साल से अधिक की उम्र का कोई भी व्यक्ति इसे खुलवा सकता है। इसमें जीरो बैलेंस रखने पे कोई चार्जेस नहीं कटते, साथ में इसमें महीने की ट्रांजेक्शन भी मिलती है और ATM फीचर भी, इसके साथ आपको एक ATM कार्ड भी मिलता है। नंबर पर आता है युवा सेविंग बैंक। ये बैंक 10 साल से लेकर 30 साल का कोई भी व्यक्ति इसमें अपना अकाउंट खुलवा सकता है। इसमें उनको किसी भी तरह की कोई फीस या चार्जेस नहीं देने होते। इसके साथ ही उनको ATM, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी इस अकाउंट में मिलती हैं। अब बात करते हैं छोटे बच्चों की। जिनकी उम्र 10 साल से ज़्यादा है तो वो SBI में माइनर सेविंग अकाउंट उनके पेरेंट्स खुलवा सकते हैं। इनमें उनकी उम्र 10 साल से लेकर 18 साल के बीच में होनी चाहिए। इसमें उन्हें इंटरनेट, SMS बैंकिंग सब कुछ मिलता है। बैंक का मेन मोटिव ये होता है कि बच्चा इन सारी सुविधाओं के साथ, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग के साथ, वो सेविंग करना सीखे। मेन मोटिव बैंक का यही होता है। और आगे अभी मैं आपको बैंक चार्जेस ये सब कुछ बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी आप जितने भी सेविंग अकाउंट हैं उनके बारे में विस्तार से डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और अगर आपको ये अकाउंट खुलवाना है तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप अपने बच्चे के लिए वो अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके बाद आता है प्रीमियम बचत खाता। इस खाते को ओपन करने के लिए 10,000 रुपये की ज़रूरत होती है। इसमें ऑटो स्विप ऑटोमेटिक मिलता है और 25,000 से ऊपर की राशि पे वह अमाउंट ऑटोमेटिक FD में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आता है सैलरी अकाउंट। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी सैलरी या वेतन इस अकाउंट में नियमित रूप से आती रहती है। ये अकाउंट आप जीरो बैलेंस पे भी खोल सकते हैं, मगर अगर 2 महीने तक इसमें कोई पैसा ना आए तो आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट होगा। अब बात करते हैं नो फ्रिल अकाउंट की। नो फ्रिल अकाउंट उन लोगों के लिए सही है जो खाता खोलने के लिए बैंकों के मानकों को, ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाते, और फिर नो फ्रिल अकाउंट बैंक में न्यूनतम बैलेंस की ज़रूरत नहीं होती। इससे बैंक में ATM की सुविधा तो देता है लेकिन चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग जैसी, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं नहीं मिलती। इस अकाउंट को खोलने के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है, लेकिन अकाउंट खोलने के बाद KYC फॉर्म भरना पड़ता है। लास्ट में बात करते हैं करेंट अकाउंट की। अगर आप करेंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं SBI में तो क्या क्या उसके डॉक्यूमेंट लगेंगे मैं आपको बता देता हूँ। प्रूफ आइडेंटिटी के तौर पर आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में आप बिजली का बिल या किसी भी चीज़ का बिल दे सकते हैं, रिसेंटली आपकी करंट की फ़ोटो, और अगर आपने पैन कार्ड के लिए अप्लाई किया है तो उसका फॉर्म 16, और साथ में आपको एक अपनी चेक देना पड़ेगा सेविंग अकाउंट का। इसके बाद बैंक चार्जेस की बात करें तो चेकबुक के नाम पर ये 10 से अगर 50 पन्नों के बीच की आप चेकबुक लेंगे तो 30 से 150 रुपये देने पड़ सकते हैं। ATM कार्ड के लिए कोई चार्जेस नहीं लगता। वही NFT चार्जेस और RTGS चार्जेस चार्ट आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट है, वहाँ से भी जाके आप पूरा पढ़ सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि सीनियर सिटीज़न और रेगुलर डिपॉजिट वाले अगर RD कराते हैं तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। पहले बात करते हैं 1 से 5 साल के बीच में अगर आप RD कराते हैं तो 6.8% मिलता है रेगुलर डिपॉजिट वालों के लिए, वहीं 7.3% है सीनियर सिटीज़न के लिए। यही RD अगर आप 5 साल से ज़्यादा और 10 साल से कम रखते हैं तो 6.85% मिलता है रेगुलर के लिए, और सीनियर सिटीज़न के लिए मिलता है 7.35%। तो यही रेट इनका RD में भी रहता है और यही FD में भी रहता है। अब बात करते हैं कि SBI में आपको लोन कितने तरह के मिलते हैं। तो यहाँ पर्सनल लोन की बात कर रहा हूँ और होम लोन की। तो सबसे पहले पर्सनल लोन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, तो पर्सनल लोन ये 3 तरह के देते हैं जो कि मैं आपको बता देता हूँ और किस एज तक और कितने तक मिलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं SBI एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन की। इसके लिए आयु सीमा है 21 से 58 ईयर और इसमें मैक्सिमम राशि 15 लाख रुपये तक आप लोन ले सकते हैं। दूसरा आता है SBI लोन फॉर पेंशनर। ये 60 साल से अधिक की उम्र के लिए और 76 साल से कम उम्र के बीच के लोगों को मिलता है और इसमें आप 14 लाख रुपए तक ले सकते हैं। फेस्टिवल लोन 50,000 रुपए तक मिलता है 21 से 58 वर्ष की आयु के लिए।
SBI होम लोन भी कई तरह के होते हैं। अगर आपको मकान खरीदने के लिए चाहिए तब भी मिल जाता है, मान लीजिए आपके पास मकान है तो उसकी रिपेयरिंग के लिए चाहिए तब भी मिल जाता है, कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी मिल जाता है। अगर मान लीजिए आप अपने मकान के बेस पे ओवरड्राफ्ट लिमिट बनवाना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल होता है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री आवासीय योजना के तहत भी ये SBI होम लोन देता है। उसका बेनिफिट ये होता है प्रधानमंत्री आवास योजना में कि उसमें आपको सब्सिडी मिल जाती है इंटरेस्ट पर 2.67 लाख की। अब SBI होम लोन में इंटरेस्ट रेट क्या है मैं वो बताता हूँ। इंटरेस्ट रेट है 8.45 ऑनवर्ड, प्रोसेसिंग फीस जो लगती है 0.35% ऑन लोन अमाउंट पे लगती है, अदर चार्जेस में 18% GST ऑन प्रोसेसिंग फीस रहती है। अब होम लोन लेने के लिए आपके पास डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको ज़रूरी रहते हैं, सबसे पहले तो आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ देना होता है, जिसमें आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी कोई सी भी एक कॉपी दे सकते हैं, और एड्रेस प्रूफ में भी ये सेम चलती हैं। एड्रेस प्रूफ में आप अपना गैस का बिल भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी दे सकते हैं, जो भी होगा इनमें से कोई एक चीज़। उसके बाद इनकम प्रूफ, अगर आप नौकरी करते हैं तो सैलरी स्लिप आपको लास्ट 3 मंथ की देनी होगी, और फॉर्म 16 स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट का भी जमा कराना होता है। इनकम प्रूफ में भी ITR आपने लास्ट 2 ईयर की होगी वो आपको देनी पड़ेगी, कम से कम 2 साल की इनकम टैक्स रिटर्न स्टेटमेंट, बैंक अकाउंट आपका लास्ट का पूरे साल का चाहिए होता है, प्रूफ ऑफ कंटिन्यू बिजनेस, अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ता है। तो ये तो बात रही कि आप होम लोन कैसे ले सकते हैं। SBI सेविंग अकाउंट और लोन अकाउंट के अलावा आपको SBI लाइफ इंश्योरेंस प्लान भी प्रोवाइड करवाता है। इसका बेस्ट बेनिफिट ये होता है कि फाइनेंशियल प्रोटेक्शन आपको पूरा मिलता है, आपकी पूरी फैमिली प्रोटेक्ट रहती है। क्लेम सेटलमेंट के लिए 23,000 से भी ज़्यादा इनके पूरे भारत में ब्रांचेस हैं। फ्लेक्सिबिलिटी प्रीमियम एंड पे आउट ऑप्शन रहता है, ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे इसके प्लान होते हैं, जो कि मैं मेन मेन प्लान है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से SBI के प्लान होते हैं। मैं 6 प्लान के बारे में बताता हूँ। SBI लाइफ यूनाइटेड लिंकेड इंश्योरेंस प्लान, जिसे ULIP भी कहते हैं। दूसरा होता है SBI लाइफ प्रोटेक्शन टर्म इंश्योरेंस होता है ये। तीसरे नंबर पर आता है SBI लाइफ सेविंग प्लान। चौथे नंबर पर आता है SBI लाइफ इन्वेस्टमेंट प्लान। पाँचवें नंबर पे आता है SBI लाइफ रिटायरमेंट प्लान, ये अपनी रिटायरमेंट के लिए आप ले सकते हैं। और छठे नंबर पे आता है SBI लाइफ चाइल्ड प्लान। तो ये कुछ इसके प्लान्स भी हैं जो ये साथ में इसके अपने खुद के हैं, कोई सेकंड पार्टी के नहीं है। तो आप SBI में आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती हैं। तो इस वीडियो में मैंने पूरी बताने की कोशिश की है कि SBI के अंदर आपको किस किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं, और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन भी दे रखा है जहाँ जाके आप ये पूरे इंश्योरेंस की डिटेल ईजिली उस वेब पेज पर जाके पढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कुछ भी पूछना हो टैक्स से रिलेटेड या अकाउंट से रिलेटेड तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। थैंक यू।